हेलो दोस्तों, स्टडी गड एजुकेशन हम में आपका स्वागत है। एंड दोस्तों, आज हमारी जो वीडियो होगी वो स्टेशन मास्टर की सैलरी एंड क्या क्या उनको अलाउंस मिलते हैं, तो उससे रिलेटेड आज हम जो वीडियो है उसमें डिस्कशन करेंगे। एंड एग्ज़ाम साइको का सबका हो चुका है, दिक्कत बहुत हुई है क्योंकि एक तो क्या है, इन्फॉर्मेशन ऑर्डरिंग का टाइम 6 मिनट कर दिया, बताओ यार, और शॉर्टेस्ट रूट का भी टाइम यानी कि 2-2 मिनट दोनों में से कम कर दिया, जो कि बहुत गड़बड़ हो गई। इस वजह से क्वेश्चन बच्चों के काफ़ी कम हुए हैं, लेकिन अब यानी क्या बताएं, बस यानी कि जितने भी अटैम्प हुए हैं वो सभी के लिए ही है। यानी स्क्रॉल के अंदर भी काफ़ी बच्चों को दिक्कत हुई थी, अब काफ़ी बच्चों को मैसेज आ रहे हैं, किसी के 15 अटैम्प हुए हैं, किसी के 18 अटैम्प हुए हैं, किसी के 20 हुए हैं, ठीक है। और स्क्रॉल करने के अंदर भी काफ़ी बच्चे जो है उनको आंसर ही नहीं मिल रहे थे, कहाँ पर जाके क्या है, ठीक है। तो दिक्कत तो बच्चों बहुत हुई है, लेकिन अगर किसी ने इतने भी अटैम्प किए हैं, मुझे तो लग रहा है कि 17-18 तक भी अगर आपने अटैम्प किए हैं तो वो ठीक है, यानी कि जिस हिसाब से यानी स्कोर रहा बच्चों का, बाकी तो सभी में ठीक है। आई थिंक इन्फॉर्मेशन ऑर्डरिंग में स्कोर बहुत ज़्यादा यानी ऊपर नीचे हुआ है, बाकी शॉर्टेस्ट रूट के अंदर 35 से 40 के बीच के अंदर, 30 से 35 के बीच के अंदर तो एवरेज है ही खैर, और ज़्यादा टेंशन लेने की अब ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब जो हो गया उसके अंदर तो आप कुछ अब चेंज कर नहीं सकते, ठीक है। अब सिंपली बस आप वेट कीजिए, क्योंकि अब अगला प्रोसेस क्या होगा कि भाई सबसे पहले तो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के बाद डॉक्यूमेंट के लिए आपको बुलाएंगे, डॉक्यूमेंटेशन के बाद में देन फिर आपका कॉल आएगा ऑफिस में, जहाँ पे यानी जो डिवीजन होगा, डिवीजन अलॉट हो जाएंगे, देन उसके बाद में डिवीजन में फिर आपके डॉक्यूमेंट होंगे, देन मेडिकल के लिए वो आपको देंगे, देन वहाँ पे आपका मेडिकल होगा, देन उसके बाद में ज्वाइनिंग की लिस्ट वो आ जाती है कि कहाँ पे आपकी ट्रेनिंग होगी। डिफरेंट ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, जैसे कि भुसावल में है, उदयपुर में है, झांसी में है, तो जहाँ भी आपका जो होगा ट्रेनिंग सेंटर जहाँ भी होगा वहाँ के लिए आपकी कॉल आ जाएगी, ठीक है। बाद में सबसे लास्ट में ही होता है, देन उसके बाद में स्टेशन के ऊपर आपको 1-1.5 महीने की लर्निंग मिलती है, देन उसके बाद इंडिपेंडेंट आपको चार्ज मिल जाता है, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस है, एंड नेक्स्ट वीडियो थोड़ा सिक्वेंस से चलेंगे। मैं पहले सैलरी के लिए आया, तो सबसे पहले मैं आपको सैलरी बता देता हूँ, देन उसके बाद सबसे पहले मेडिकल वाला जो है वो डिस्कस करेंगे कि कैसे मेडिकल होगा, देन उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे कि काम क्या है, वर्किंग क्या है ना, वर्किंग करने के बाद में देन फिर ये और भी कोई टॉपिक होगा तो उसको लेंगे हम, है ना। तो आइए फटाफट से स्टार्ट करते हैं यार, ठीक है। चलो आइए, देखो ये सैलरी स्लिप है, एंड यानी ये मेरी है जब मैंने ज्वाइन किया था, ठीक है। एंड अब बेसिक हो गया है लगभग 39,900, देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं बेसिक। तो क्या क्या चीज़ें इनकी, सबको हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे कि कैसे ये यहाँ तक पहुँचा है, डीए और ट्रांसपोर्ट अलाउंस, एंड ये सब तो डिडक्शन है क्योंकि मैंने LIC की पॉलिसी ले रखी है, NPS में कट जाता है, एंड प्रोफेशनल टैक्स है वो भी कट जाता है महाराष्ट्र का, और क्वार्टर ले रखा है तो उसका भी कट जाता है, और वोटर चार्जेस पता नहीं क्या क्या, काफ़ी सारे चार्जेस वो डिडक्शन कर लेते हैं वो, ठीक है। तो आइए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले तो हमारा जो बेसिक जो पे है, जो ये सिंपली है, बस हमारे जो पॉइंट्स हैं इनको हम एक एक करके देखो सब जो है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो बेसिक पे है 4200 के अंदर, 35400 हमारा जो बेसिक है 4200 ग्रेड पे में, देन हाउस रेंट अलाउंस कैसे मिलता है, कितना मिलता है, देन DA महंगाई भत्ता हमारा, ड्रेस अलाउंस जो आपको मिलता है, स्टेशन मास्टर मिलता है, लोको पायलट को मिलता है, पॉइंट्समैन को मिलता है, ठीक है, और गार्ड को मिलता है, तो ड्रेस अलाउंस कितना मिलता है, एंड ट्रैवलिंग अलाउंस यानी कि जो RG यानी रेस्ट गिवर, जो हर स्टेशन के ऊपर यानी कि मिनिमम 3 तो स्टेशन मास्टर रहते ही हैं, ठीक है, तो उनको रेस्ट देने के लिए एक दूसरे स्टेशन से दूसरा स्टेशन मास्टर काम करने आता है, ठीक है, तो वो भरता है ट्रैवलिंग अलाउंस, ठीक। और एक बंदा जो पूरे सेक्शन के अंदर ड्यूटी करता है अलग अलग डिफरेंट स्टेशन पर रेस्ट देने के लिए, या फिर कोई छुट्टी लेके चला गया तो उसकी जगह ड्यूटी करता है, ठीक है, तो ट्रैवलिंग अलाउंस वो भरता है। देन ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो सिंपली आपको मिलता है उसके बारे में आगे डिस्कस, ये सारी चीज़ें हम एक एक पॉइंट पर हम आगे डिस्कस करेंगे। नाउ नाइट अलाउंस कितना मिलता है, ये सारे अलाउंस हैं, नेशनल होल्ड NH का अलाउंस कितना मिलता है, दिवाली के बोनस कितना मिलता है, ये पास PTO खैर फैसिलिटीज़ का एक वीडियो बनाएंगे उसके अंदर भी डिस्कस कर लेंगे, अभी मैं सिंपली बता दूंगा कि कितना मिलता है, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। देखो सबसे पहले बेसिक पे, भाई बेसिक अगर सिंपली आप यानी कि पहले तो क्या था, स्टाइफंड का जो रूल था वो अभी एक नया नोटिस आया जिसके अंदर यानी कि सिंपली यानी यहीं से स्टार्ट होगा,
ट्रेनिंग के टाइम के ऊपर भी आपका इतने रहेगा। ट्रेनिंग के टाइम पे हमें कम मिला था, 29,200 आई थिंक मिला था ट्रेनिंग के टाइम पे स्टाइपेंड हमारा, लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब सिंपली आपको 35,400 मिलेगा और हमें भी शायद एरियर जल्द ही इसका मिलेगा नोटिस आने के बाद। नोटिस आ चुका है तो हमारा भी यानी 4-5 महीने का है शायद, ठीक है, तो उसके कारण हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो सिंपली जो बेसिक है वो हमारा 35,400 है 4200 के अंदर, एंड कैसे इसके अंदर इंक्रीमेंट लगेगा, क्या क्या चीज़ें हैं वो नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर हम देखते हैं। जैसे देखो प्रमोशन कैसे होगा, सबसे पहले तो देखो सैलरी में जो आपका जो हाइक है वो कैसे होगा। सबसे पहले एनुअल इंक्रीमेंट एक बार लगता है सेल में, अगर आपकी ज्वाइनिंग अगर रहेगी सितंबर अक्टूबर के अंदर रहेगी तो फिर आपका जनवरी से लगेगा जो आपका हाइक है, 3% लगभग 3% के आसपास ही वो इंक्रीज होता है। एंड अगर पहले है ज्वाइनिंग, यानी अगर आपकी हो गई शायद फरवरी के आसपास ज्वाइनिंग है, फरवरी मार्च अप्रैल में है, तो फिर आपका जुलाई में लग जाएगा, ठीक है। साल में लगता है एक बार, यानी ऐसा नहीं है कि जुलाई में भी लगेगा जनवरी में भी लग जाएगा, ठीक है, ऐसा नहीं है। एक तो ये हो गया सिंपल 3%। एक डी ए जो है वो दो बार लगता है, यानी डी ए अब क्या है, इन्फ्लेशन कितना है, कितनी महंगाई महंगाई हो रही है, उसके हिसाब से वो सरकार है वो हर बार डिसाइड करती है। जनवरी में अलग यानी वो बढ़ता रहता है, कभी 3% कभी 4% ऐसे बढ़ता रहता है, ठीक है। तो एक बार जनवरी के अंदर गवर्नमेंट अनाउंस करती है, फिर जुलाई में अनाउंस करती है, तो उसके अकॉर्डिंग चीज़ें हैं वो चेंज होती रहती हैं डीए में, ठीक है। और अदर वो भी काफ़ी फैक्टर्स हैं, यानी वो सब चेंज होते रहते हैं, उनको हम आगे डिस्कस करते हैं। देखो सबसे पहले तो इंक्रीमेंट देखो ये 3% वाला कि ये कैसे, देखो सबसे पहले भाई अपना जो बेसिक था सपोज ये 35,400 था, ठीक है, 35,400 में बोल रहा हूँ मैं कि 3% बढ़ेगा साल में एक बार, तो 103 गुना में कर दिया एंड डिवाइड बाय 100 करेंगे तो 36,462, ठीक है, 36,462। तो देखो 462 है ये, तो जैसे ही यानी कि 450 यानी 50 से अगर ज़्यादा होगा तो सिंपली इसको वो कर देते हैं, यानी कि राउंड फिगर में कर देंगे एंड उसको 36,500 कर देते हैं, ठीक है। ऐसे 36,500 का 103 हम निकालते हैं तो ये कितना आ गया, 37,595 आ गया, तो सिंपली उन्होंने इसको राउंड फिगर कर दिया, कितना कर दिया, 600 कर दिया, ठीक है। अगर वो 50 से नीचे रहता है, 50 से अगर नीचे रहेगा तो फिर वो उसको राउंड फिगर करके नीचे कर देंगे, 50 से ऊपर रहेगा तो राउंड फिगर करके उसको ऊपर मिला देते हैं वो, ठीक है, इनका ये तरीका है। तो सिंपली यानी कि आपको पहले अगर आपने ज्वाइन किया है 35,400 में, तो अगले साल आपका ये हो जाएगा 36,500, देन उसके बाद में 37,600, देन 38,700, तो ऐसे ही ये हर साल आपका इंक्रीज़ होता रहेगा, ठीक है, ऐसे ये बढ़ता रहेगा, 42,300 और भी आगे इंक्रीज़ होता रहता है, ठीक है, वो मैंने इसमें लिखा नहीं है, सिंपली आप ये गूगल पर करेंगे टेबल तो सिंपली आपको मिल जाएगी, ठीक। देन उसके बाद में क्या है, हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंस क्या है, जो भी यानी कि आप जैसे कि सिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि किस यानी जहां आपकी पोस्टिंग है वो एक्स क्लास में है, वाई क्लास में है, जेड क्लास में, कहीं गांव में आई है या फिर बड़े अच्छे स्टेशन पे आई है, ठीक है। तो जो बेसिक का 24%, 16%, 8%, अब इसके रेट्स भी रिवाइज होते हैं, ठीक है, सिंपली इतना फिक्स नहीं रहेगा क्योंकि अब जो है वो बढ़ चुका है। उसका रूल क्या है, उसका रूल ये है कि अगर जो हमारा डीए है वो महंगाई भत्ता है वो अगर 25% को क्रॉस कर जाता है, जैसे कि अभी महंगाई भत्ता हमारा डीए चल रहा है 34%, तो डीए अगर क्रॉस कर जाता है 25% को, तो जो रेट्स हैं वो बेसिक के 27%, 18% एंड 9% हो जाएंगे, ठीक है, जो कि पहले कितने थे, 24, 16 एंड आई थिंक ये 8 ही था ना, हाँ 24, 16, 8 थे। तो अगर डीए क्रॉस कर जाएगा 50, ये क्या नाम है, 25 से क्रॉस हो जाएगा तो इतना हो जाएगा, ठीक है, अभी 34 चल रहा है तो ये अभी 27, 18 और 9 है। अगर ये 50 क्रॉस कर जाएगा, जैसे अभी 34 है, तो देखते हैं, अभी जुलाई का शायद अनाउंसमेंट हुआ नहीं है, होगा तो फिर उसके बाद ये 38 होगा, फिर यानी अगले साल यानी मुझे लग रहा है 2-3 साल के अंदर इंक्रीज़ हो गया, ये डीए 50 क्रॉस कर जाएगा तो फिर ये हो जाएगा 30, 20 एंड 10, ठीक है। तो इस हिसाब से ये वेरी होता है। देन चलते हैं आगे, आगे हमारा ड्रेस अलाउंस। देखो ड्रेस अलाउंस का क्या है कि स्टेशन मास्टर को जुलाई के अंदर आपको सिंपली 10,000 अकाउंट में आ जाते हैं। स्टेशन मास्टर की अपनी ड्रेस है भाई, वाइट ड्रेस है, तो आप कुछ भी यानी कि इसमें यानी कि ड्रेस धुलवाने के लिए आपके जो पैसे लग रहे हैं धुलवाने के, प्रेस करने के, तो एक तरीके से ही आपको ड्रेस अलाउंस मिलता है 10,000 रुपये। जो पॉइंट्समैन होते हैं, लोको पायलट होते हैं, गार्ड होते हैं, उनको मिलते हैं 5,000 रुपये, ठीक है, जुलाई में, खाली एक साल में एक बार मिलेंगे, ऐसे मत सोच लेना कि भाई ये तो मिलते ही रहेंगे, बस मिल गए एक बार बस। देन उसके बाद में ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ट्रांसपोर्ट अलाउंस हमारा कैसे होता है, देखो जो कुछ सेलेक्टेड सिटीज़ हैं यार उसके अंदर अलग है, जैसे कि अगर पुणे देखें, कानपुर देखें, ऐसी सिटीज़ हैं लगभग, मुझे लग रहा है कि शायद 15 से ज़्यादा ही है सिटी, वो उनके अंदर अलग रेट चलते हैं। बाकी सिटीज़ के अंदर जैसे मैं यहाँ पे हूँ,
सेंट्रल रेलवे में, तो इस तरफ जो मेरा जो पोस्टिंग है जिस तरफ, यहाँ पे 1800 रुपये का वो है, 1800 प्लस में 1800 का 34% जो भी डीए अभी चल रहा है, जैसे कि डीए अभी चल रहा है 34%, तो 1800 34% बटे 100, एंड इसका अगर कैलकुलेशन करेंगे तो इतना आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है कि भाई आप जहाँ भी रहते हैं वहाँ से, यानी कि आप ऑफिस पहुँच रहे हैं या फिर स्टेशन पहुँच रहे हैं जहाँ भी हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको पैसे मिलते हैं, ठीक है। एंड हमारा लेवल इसके अंदर पड़ता है, तो हमारी ये इतना हमको जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है स्टेशन मास्टर को, ठीक है। बाकी और भी अगर कोई दोस्त हमारा देख रहा है स्टेशन मास्टर के अलावा, तो अपना आप देख सकते हो, 1 से अगर 2 लेवल में है तो आपको इतना मिलता है, एंड 9 से एंड अबव है तो आपको इतना मिलता है, ठीक। देन है ट्रेवल अलाउंस। या टीए पे देखो, टीए पे मैंने भी काफ़ी काम किया है। टीए पे क्या है कि अगर सपोज आप एक स्टेशन पे काम कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, एंड दूसरा स्टेशन यहाँ पे, अगर इसकी दूरी 8 किलोमीटर से ज़्यादा है तो आपको पैसा मिलेगा वहाँ तक जाने का, ठीक है, जो कि स्टेशन मास्टर के लिए कितना है, 800 रुपये। 800 रुपये कब है, कब है, जब यानी कि 12 घंटा से ज़्यादा हो जाए, और 6 से अगर 12 है तो 800 का 70% यानी 560, एंड 6 घंटे से कम है यानी कि 2 घंटे हुए, 3 घंटे हुए, 4 घंटे हुए, तो फिर आपको कितना मिलेगा, 30% यानी कि 240 रुपये, ठीक है। और अगर ये डिस्टेंस यानी कि थोड़ी भी कम होती है, अगर 7.9 भी होती है, 7.8 भी होती है, तो फिर आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो मैं जाता था वहाँ तो खैर 18 किलोमीटर था, 18 किलोमीटर एक तरफ था और एक तरफ था 40 किलोमीटर। और यानी कि जो स्टार्टिंग में क्या है, इस तरफ के डिवीजन का रूल है, जो जूनियर होता है यानी कि हम, जैसे कि मैं जब लगा था जूनियर ही था, तो जो जूनियर होता है वो ही यानी कि सेक्शन के अंदर ही नहीं मूव करता है, वो इसको ही जाना पड़ता है अलग अलग स्टेशन पे काम करने। एक आरजी होता है जो फिक्स होता है, यानी कि वो अपने स्टेशन में काम करेगा 3 दिन एंड बाकी बगल वाले स्टेशन में काम करेगा 3 दिन, ठीक है। और एक दूसरा बंदा होता है वो पूरे सेक्शन के अंदर घूमता है, RSM उसको बोलते हैं, वो पूरे यानी कि उसमें सेक्शन में घूमेगा, एंड कितना ही किलोमीटर हो, चाहे 60 किलोमीटर हो, तो बच्चे यानी काफ़ी जो है स्टेशन मास्टर वो 60-70 किलोमीटर दूर भी ड्यूटी करने जाते हैं, ठीक है। तो उनका यानी कि एक भी दिन ऐसा नहीं है कि वो अपने स्टेशन पे भी कभी भी लगा सकते हैं एंड दूसरे स्टेशन पे भी कभी भी लगा सकते हैं, ठीक है। और आरजी जो है, अगर आरजी किसी को बनाते हैं तो लगभग यानी कि अगर फिक्स अगर हम देखें तो मंथ में उसके यानी 8-9 हज़ार रुपये तो आराम से बने जाते हैं। और जो RSM जो होते हैं उनके यानी कि एक्स्ट्रा यानी सैलरी से अगर हम देखें तो 14 दिन फिक्स हैं इसके अंदर, 15 दिन फिक्स है, 15 दिन से ज़्यादा नहीं करा सकते। और उससे कराना है तो उसका अलग हेडक्वार्टर से परमिशन लेनी पड़ती है, डिवीज़न से परमिशन लेनी पड़ती है, जो आपका जो सेक्शन जो TI बोलते हैं उसको, तो उसको यानी परमिशन लेनी पड़ती है, तो वो ज़्यादा उससे भेजता भी नहीं है, अलाउड नहीं है 15 से ज़्यादा दिन बाहर भेजना। तो 15 दिन का अगर आप देखें तो लगभग यानी 10-11 के आसपास यानी कि पैसे बन जाते हैं। ये सारे 100% नहीं होते क्योंकि ड्यूटी का हिसाब किताब ऐसा ही होता है, तो इसलिए मैं 11 बोल रहा हूँ, 12,000 नहीं बोल रहा, ठीक है। लगभग इतना बन जाता है एक RSM का, ठीक। तो और जो पॉइंट्स मैन होते हैं जो स्टेशन मास्टर की हेल्प के लिए स्टेशन पे होते हैं, तो उनका कितना रहता है, उनका 500 रुपये रहता है। तो इस हिसाब से ये है, ठीक है। अगर लेवल इतना है यानी जो अपने डिविजनल रेलवे मैनेजर DRM सर होते हैं, उनका कितना होता है, उनका 1200 होता है, ठीक है। 100% उनका कितना होता है, 1200। हमारा 100% कितना है, हमारा है 800, ठीक। तो TA के बारे में हमने सब कुछ कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर कर लिया कि आप कैसे भी जा सकते हैं। अगर ट्रेन से जा सकते हैं तो ट्रेन से जाइए, बाय रोड आपको बाइक से जाना है तो बाइक से जाइए, एंड ये सिंपली आपको आने जाने का खर्चा होटल में रुकने वुकने का, यानी कि एक तरीके से 800 रुपये देते हैं बस, 800 में तो क्या होता है। लेकिन हाँ ठीक है, वहाँ पे जाके आप स्टेशन पे भी रह सकते हैं, अगर कोई स्टेशन अच्छा है, वहाँ आसपास सब कुछ मिलता है, तो वहाँ पे जाके सिंपली आप वेटिंग रूम में रह लीजिए, या फिर कहीं कुछ स्टेशनों पे रेस्ट रूम भी बने होते हैं, ठीक है। तो हर डिवीजन का अलग अलग हिसाब किताब है यार। देखो मैं अपने डिवीजन के हिसाब से बता रहा हूँ, अपने जोन के हिसाब से बता रहा हूँ। काफ़ी जो स्टेशन मास्टर हैं वो इस वीडियो को देखेंगे तो बोलेंगे अरे भाई ऐसा नहीं होता हमारे यहाँ तो लगे, तो हर किसी का यानी अलग अलग रूल्स चलते हैं थोड़े, लेकिन ये चीज़ फिक्स है कि TA इतना ही मिलेगा, ठीक है। अब रुकने का हिसाब किताब, किसी को रोड साइड स्टेशन होते हैं जहाँ पे दूर दूर तक आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, खाने का कुछ भी नहीं मिलेगा, तो वहाँ भी आपको रुकना है तो खुद से यानी बना के लेके जाओ, या तो ये हिसाब किताब रहता है। जहाँ पे मैं ड्यूटी करता हूँ वो भी एक रोड साइड स्टेशन ही है, लेकिन मिल जाता है सब कुछ, यानी दोस्त वोस्त रहते हैं तो रुकने का इंतजाम अगल बगल के स्टेशन पे, खाने पीने का सब हो जाता है, उसकी टेंशन नहीं है, ठीक है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि एकदम से आपने ऐसे स्टेशन भेज दिया जहाँ पे आसपास में कुछ भी खाने को नहीं मिलता, तो फिर बहुत भारी दिक्कत भी हो जाती है RG को। एंड बारिश हो गई, धूप हो गई, ठंड हो गई, उसे तो जाना ही है यानी कि ड्यूटी करने, चाहे टाइम पे पहुंचना भी रहता है, स्टेशन मास्टर का रूटीन ऐसा है, ठीक है। तो दिक्कत तो होती है जो RG RSM होते हैं, पैसे तो दिखते हैं लेकिन दिक्कत होता है इसके अंदर, यानी कभी ट्रैवलिंग में आपका एक्सीडेंट हो जाए, कुछ भी हो जाए,
जो फिक्स में जो स्टेशन मास्टर रहते हैं वो तो कम से कम फिक्स है, उनको उनका टाइम फिक्स है कि भाई इस टाइम से इस टाइम तक हमें अपने स्टेशन पे ही काम करना है, तो एक जगह फिक्स रह सकते हैं, ठीक है। एंड आर जो राय संघ होते हैं उनको फिक्स काम नहीं है, उनका 3 दिन अपने स्टेशन फिक्स है, तो 3 दिन फिर भागना पड़ेगा। हमारी ड्यूटी का रोस्टर अगर मैं आपको बताऊं तो इस जोन के अंदर क्या, हर किसी जोन का अलग अलग हिसाब किताब है, काफ़ी डिवीजन के अंदर ऐसा चलता है कि 7 दिन डे 7 दिन नाइट, फिर 7 दिन डे 7 दिन नाइट ऐसा चलता है, ठीक। हमारे वाले के अंदर इसमें क्या है, 8 से 12 ड्यूटी जाएंगे, देन उसके बाद में बीच का गैप है, फिर 22 24 22 से यानी 10 से 12, फिर 8 to 8 यानी नाइट करके आ गए, ठीक है। तो ये हिसाब की तरह दूसरे दिन आ गए सो गए, फिर दोबारा जा रहे हैं 22 24, फिर 8 to 8 हो गए अपनी ड्यूटी, फिर उस दिन नाइट ऑफ हो जाएगा, देन एक ड्यूटी का है 12 से 22, नाइट ऑफ करने के बाद फिर अगले दिन से क्या ड्यूटी आ जाती है 12 से 22, फिर रेस्ट आ जाता है, एक और नाइट करके रेस्ट आ जाता है, यानी कि वीक के अंदर कितनी नाइट हो जाती है, 3 नाइट हो जाती है, 3 नाइट हो जाती है इसके अंदर, ठीक है। और जो आरजी जो जाता है उसकी 2 नाइट पड़ती है खाली, उसकी 2 नाइट पड़ती है, एंड आरसम का कोई हिसाब किताब नहीं है, उसकी नाइट कितनी भी लग सकती है लगातार, तो ये सिस्टम है, ठीक है। टीए भी हमने काफ़ी डिस्कशन कर लिया, तो चलते हैं अब आगे। देखो नाइट ड्यूटी अलाउंस का हिसाब किताब क्या है, नाइट ड्यूटी यानी जो भी आपका बेसिक है एंड डीए, बेसिक और डीए जितना भी है उनको टोटल करेंगे एंड सिंपली 200 से डिवाइड कर लेंगे तो वो हमारा नाइट ड्यूटी आ जाता है। जैसे कि बेसिक अभी था हमारा 39,900, ठीक है, एंड शायद 13,566 हमारा वो था डीए, तो सिंपली इसको ऐड कर लो एंड इसको अपर 200 से हम डिवाइड कर देते हैं तो वो हमारा नाइट ड्यूटी निकल के आ जाएगा कि नाइट ड्यूटी हमें इतने रुपये मिलेंगे, शायद 267 या 266 के आसपास आएगा शायद, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, एक यूनिट का, यानी कि अगर सपोज आपने 8 घंटे ड्यूटी करी है या फिर 12 घंटे अगर आपके अपन इसको पूरा राउंड ही कर देते हैं या 96 कर लेते हैं, इसको 96 कर लिए सपोज, अगर पूरे यानी महीने में आपके 96 घंटे हो गए तो सिंपली उसको 6 से डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है, ये आपकी यूनिट हो जाती है, इसको बोलते हैं यूनिट हो गई, ठीक है। एंड सिंपली यानी कि इसको जितना भी आपने रेट निकाला है उसको उसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो ये आपकी क्या हो गई, नाइट ड्यूटी अलाउंस लगभग। अब ये भी वेरी करता रहता है थोड़ा थोड़ा, कि कभी कभी नाइट अगर फिक्स में हो तो हो जाती है, और कोई छुट्टी लेके चला गया तो फिर डे के अंदर भी फंस गए, तो यानी इसका रेट भी लगभग 3,000 से आप मान सकते हैं कि 4,000 के लगभग एवरेज यानी इतना रहता ही है, 3 से 4 के बीच में आप लगा लीजिए कि नाइट ड्यूटी अलाउंस आपको इतना मिलेगा ही, ठीक है। देन चलते हैं आगे, नाइट ड्यूटी अलाउंस भी देखो धीरे धीरे आपका वेरी जो इसके रेट्स हैं वो बढ़ते रहेंगे, क्यों, क्योंकि बेसिक तो आपका हर साल यानी चेंज हो रहा है ना। सबसे पहले आप 35,400 में जाएंगे, डीए कुछ है अलग, और डीए भी हर बार यानी चेंज होता जा रहा है हर 6 महीने के अंदर, तो 35,400 में आए, फिर उसमें आए, अब फिर धीरे धीरे आप 39,900 में पहुंचोगे, तो नाइट ड्यूटी अलाउंस आपका धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। एंड इसके ऊपर भी बीच में एक रूल आ गया था कि नाइट ड्यूटी यानी कि 4200 ग्रेड कुछ एक बेसिक था या 44 था पता नहीं, उससे ऊपर यानी नाइट ड्यूटी बंद कर दिया था, लेकिन शायद अभी वो वापस लिया है, आया है रूल, तो ठीक। आगे चलते हैं नेशनल हॉलीडे, एनएच के अंदर भाई हम तो इसके अंदर पढ़ते हैं, लेवल हमारा इसके अंदर आ गया लेवल 6, एंड हमें यानी कि अगर होली दिवाली वाले दिन भी अगर आप ड्यूटी कर रहे हो, आपकी ड्यूटी लग गई है, तो आपको कितने मिलेंगे, 630 रुपये मिलेंगे उस दिन अगर आप ड्यूटी कर रहे हैं तो, ठीक। ऐसा नहीं है कि होली दिवाली पे आप जाके आराम से हो छुट्टी मिलेगी, भैया ये स्टेशन मास्टर की जॉब है, इसको अंदर यहाँ नहीं आपको ऐसा कोई छुट्टी मिलने वाली नहीं है। उसके अंदर क्या है कि ज़्यादा रश रहता है, बल्कि दिवाली के ऊपर इतनी ट्रेनें चलती हैं, स्पेशल ट्रेनें चल जाती हैं, तो बेचारे स्टेशन मास्टर वो अपने घर जा ही नहीं पाता, ठीक। बहुत कम लोगों को छुट्टी मिल पाती है, यानी अगर ऐसा होता है कि भाई तुम दिवाली पे गए थे तो भैया ये छठ पूजा भी चले गए, तो इस हिसाब से यानी कि जो ऑफिसर होता है ऊपर जो अपना टीआई होते हैं वो उस हिसाब से, स्टेशन मास्टर जो सीनियर होते हैं, ठीक है, वो उस हिसाब से छुट्टी अरेंज करते हैं, यानी ऐसे नहीं कि एक साथ ही सभी को छोड़ दिया, किसी को किसी त्यौहार पर, किसी किसी त्यौहार पर, फेस्टिवल अलग अलग फेस्टिवल पर हिसाब किताब से छोड़ते हैं, ठीक है। अब एनएच उस महीने में कितनी भी आ जाएँ, 2 आ गए 3 आ गए, तो इस हिसाब से ये महीने का हिसाब किताब है वो वेरी होता रहता है, ठीक है। अब चलते हैं हम आगे, तो ये भी हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। देन ओवर टाइम, देखो यार ओवर टाइम का हिसाब किताब ना, अब क्या स्टेशन मास्टर की ना, आप कुछ अगर कोई वीडियो के अंदर सिंपली आपको बोल रहा है कि स्टेशन मास्टर लगते ही आपको मिलेंगे 1,00,000 रुपए, भैया 1,00,000 रुपए कैसे मिल जाएंगे, ठीक है। तो वो क्या हिसाब किताब क्या हर किसी का अलग अलग है, डिवीजन का, किसी में क्या है, किसी जोन के अंदर क्या है, स्टाफ कम है तो ओवर टाइम चल रहा है ज़्यादा, तो उसमें स्टेशन मास्टर वहाँ के स्टेशन मास्टर की सैलरी काफ़ी बनेगी, 80-90 हज़ार, 1,00,000, 1,00,000 से भी ऊपर पहुँच जाएगी, क्योंकि मैं जब आया था यहाँ पे तो इस डिवीजन के अंदर स्टाफ बहुत कम था पहले,
तो बाकी मैंने सभी की पुरानी सैलरी स्लिप जब चेक करी तो किसी का 1,19,000, किसी का 1,00,000, किसी का 1,02,000, तो इस हिसाब से यानी काफ़ी अच्छी अच्छी सैलरी थी। मैं तो खुद देख के, मैं यार ये बढ़िया जॉब है ये तो, ठीक है। लेकिन जब स्टाफ पूरा रहता है तो इतना फिर आपका नहीं पहुंच पाएगा। ओवर टाइम के रेट्स देखो काफ़ी अच्छे उस हिसाब से मिलते हैं। देखो ग्रोस पे सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूँ इसका फॉर्मूला क्या है। इसका फॉर्मूला भी यानी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। वहाँ पे जब आप जाओगे ट्रेनिंग के टाइम पे तो आपको बताएंगे वो कि कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ। देखो ग्रोस पे के अंदर हमें क्या क्या जोड़ना है, सिंपली बेसिक पे प्लस में डी ए एंड प्लस में जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो मैंने वहाँ पे कैलकुलेट किया था ना 2,412, तो 2,412 ये हो गया सिंपली। डी ए मैंने लिख दिया ये रहा, एंड बेसिक पे यहाँ लिख दिया, तो ग्रोस पे हो गया हमारा 55,878, ठीक है। अब 55,578 को अब उस महीने के अंदर, सपोज जिस महीने के अंदर आपका ओवर टाइम बन रहा है उसमें यानी कि 30 ही दिन थे, तो सिंपली अपन इसको 30 से डिवाइड कर लेंगे। एंड क्या 14 14 दिन के अंदर, जैसे 14 दिन के अंदर 7 दिन के अंदर आपकी ड्यूटी पड़ जाती है हमें 8 8 घंटे, तो अर्थिंग 48 हो गए। एंड 14 दिन का वो रहता है रोस्टर ओवर टाइम कैलकुलेट करने के लिए, वो 14 दिन का उन्होंने बार लगा रखा है। जो फॉर्म जो होता है उसमें भरने के लिए 14 दिन ही होते हैं, तो उस 14 दिन में देखते हैं कि कितनी ड्यूटी आपने एक्स्ट्रा करी की है, ठीक है। तो 48 दूनी कितना हो गया अपने पास, 96 हो गया, क्योंकि 2 वीक मैंने कैलकुलेट किए हैं। तो यहाँ पे आ गया 14 डेज डिवाइड बाई में 96 इंटू में 1/30। अगर यहाँ 31 भी करते, अगर 31 का महीना होता, तो गुना में ग्रोस पे। तो इस फॉर्मूले के अंदर जब हम पुट करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 271 हमें मिलेगा, ठीक है। 271 का रेट है, तो 96 से 108 तक यानी 108 तक जितने भी अगर घंटे बने, समझ 12 घंटे बन गए, तो जो भी रेट है उसका 1.5 गुना। इसको अगर मैं 1.5 से 1.5 गुना से मल्टीप्लाई कर दूं इनटू में 12, समझ आपके 108 घंटे बने हैं, तो इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दो तो उतना आपका रुपए बन जाएगा ओटी का, ठीक है। एक एक घंटा अगर एक्स्ट्रा बनता है तो लगभग शायद 407 या 404 के आसपास रेट बन रहा है। देखो एक घंटा यानी ड्यूटी आप एक्स्ट्रा कर लेते हो तो ओवर टाइम के अंदर सैलरी इतनी बन जाती है, काफ़ी अच्छी यानी सैलरी बन जाती है। इसलिए इसको कम करने के लिए आजकल यानी हर जोन के ऊपर इतना प्रेशर बन रहा है कि ओटी को कम कीजिए, क्योंकि अलाउंस ओटी का इतना बन जाता है ना। अब देखो अगर आपने 108 घंटे से ज़्यादा हो गए तो फिर जो रेट है ना वो आपको डबल हो जाएगा। बताओ डबल रेट से आपको पैसा मिलेगा। अब यहाँ पे कितना हो गया देखो, बताओ ठीक है ना। तो 542 एक घंटे का, अगर आपने सपोज 109 घंटे कर लिए तो 108 तो इसमें से मिलेंगे डेढ़ के हिसाब से, और एक घंटा एक्स्ट्रा हो गया तो फिर वो कितना हो गया, वो 542 रुपये, ठीक है। समझ में आ गई बात। ओटी कैलकुलेशन बड़ी टिपिकल है, हर कोई समझ नहीं पाता। मैं आपको सिंपल शब्दों के अंदर मैंने आपको समझाया है कि ये सब चीज़ें हैं। जो रेलवे वाले बंदे हैं वो भी आप इसको देखें कि ओटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके ऊपर भी यानी आपको समझ में आ गया कि कैसे आपको आपका ओटी कैलकुलेट करना चाहिए। तो सिंपल ग्रोस पे इसके अंदर तीनों जोड़े हैं, देन उसके बाद में सिंपली आप तीनों को जोड़िए, एंड कितना मंथ के अंदर 30 का है या 31 का है, 14 डिवाइड बाई 96, ठीक है। अगर यही मैं अगर कैलकुलेट करता लोको पायलट के लिए, गार्ड के लिए, तो उनका क्या है, यहाँ पे जो 96 हम लिख रहे हैं इसकी जगह क्या होता, वो 104। तो उनका जो रेट है वो यहाँ से फ्रॉम से आ जाता है 104 से 108 तक 1.5 गुना, और 108 से ऊपर 2 गुना, ठीक है। तो ये हमने ओटी का एक अच्छा टॉपिक था जो कि डिस्कस कर ले। इस वीडियो के अंदर काफ़ी अच्छी अच्छी बातें हमने डिस्कस करी हैं कि भाई ट्रांसपोर्ट अलाउंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, ओटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, नाइट अलाउंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, एंड बस ये सब चीज़ें हमने, जो अच्छी अच्छी चीज़ें बेसिक चीज़ें जो पर्सनल के अंदर आपको आनी चाहिए, अगर पर्सनल डिपार्टमेंट में भी अगर आप, खैर ये स्टेशन मास्टर वाले तो कहाँ इस पर्सनल में पहुँचेंगे, लेकिन ये यानी जो ऑफिसर के जो एग्जाम्स होते हैं उसके अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कैसे क्या फॉर्मूला है, क्या कैसे कैलकुलेट करते हैं ये सब, ठीक है। चलते हैं आगे। यार आवाज़ तो अपनी ठीक से रिकॉर्ड हो रही है, कभी कभी ऐसा होता है कि आवाज़ ही नहीं आती। बच्चे बोलता तो मैं तेज हूँ लेकिन फिर भी बोलते हैं, आवाज़ नहीं आ रही, आवाज़ नहीं आ रही। चलो नेक्स्ट हमारा क्या है भाई, चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस। तो चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस यार हर यानी ये गवर्नमेंट जॉब में सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर है ही, हर जगह, ऐसा नहीं है कि रेलवे में ही है, ठीक है। इसके अंदर आपको 2,250 रुपये पर मंथ के हिसाब से अगर सिंपली आप 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना मिलेगा आपको, 27,000, ठीक है। जब बच्चा आपके स्कूल में जाने लग जाएगा 3 साल से ऊपर, तो आपको स्कूल में एडमिशन कराने के बाद वहाँ से आप एक फॉर्म है उस स्कूल वाले के पास लेके जाओगे, देन वो देख के भरेगा, देन उस पर साइन वन करेगा, फिर आपको ये पैसे मिलते हैं। ऐसे नहीं सिंपली कि 4 साल का हो गया बच्चा चला दें अभी पैसे आ जाएंगे, उसको सिंपली स्कूल में एडमिशन कराएंगे देन उसके बाद मिलना स्टार्ट हो जाता है। 2 बच्चों को मिलता है, ऐसा नहीं कि भाई कर लिए हमने तो 4 5 बच्चे, देन मिलेगा सभी को 5 बच्चे गुणा में 27,000, ऐसा नहीं है, खाली 2 बच्चों के लिए मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर लिखा भी होगा यार कहीं ना कहीं, अच्छा इसमें नहीं लिखा होगा, खाली 2 बच्चों को मिलेगा, ठीक है। एंड इसमें ऐसा भी होता है कि अगर सपोज पहला बच्चा हो गया एंड दूसरे था वो जुड़वा हो गया,
अब इसमें आपकी तो गलती है नहीं, तो तीनों को मिलेंगे ठीक है। और इसमें उल्टा नहीं है, यानी पहले में अगर जुड़वा हो गया तो ऐसा नहीं है कि फिर आप दूसरा कर सकते हो, वो तो पहले ही दो हो गए ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है यार। आगे दिवाली बोनस। अब दिवाली बोनस यानी मुझे समझ में, न्यूज़ वाले यानी चिल्ला चिल्ला के अरे इतना मिलता है इतना मिलता है, अरे भाई सिंपली यानी रेलवे वालों को फिक्स है 18,000 ठीक है। पॉइंट्स मैन से लेके ग्रुप डी सी डी पी सबको यानी 18,000 दिवाली का बोनस मिलता है भाई ठीक है। उससे ज़्यादा उससे कम कुछ नहीं है, ना कुछ इंक्रीमेंट हो रहा है 4-5 सालों के अंदर हर साल। यानी कि बीच में कोविड के टाइम पे ये न्यूज़ आई थी कि भाई खर्चा बहुत हो गया, बंद करते हैं, नहीं मिलेगा ये वो, लेकिन भगवान की दया से बंद नहीं हुआ रेलवे में एंड ये इतना मिलता है 18,000 आपको दिवाली के टाइम पे, दशहरे के टाइम पे। हाँ यहाँ पे दशहरे के टाइम पे आ जाता है अकाउंट में ठीक है। तो ये बढ़िया बात है यार, क्योंकि आई थिंक सीजीएल ऐसे सीजीएल वीजीएल के अंदर इतना पैसा नहीं मिलता है जितना रेलवे आपको देती है दिवाली बोनस, तो बढ़िया बात है ये ठीक है। उस टाइम पे दिवाली बनाने के लिए आपको पूरा गणेश चतुर्थी में और दिवाली के टाइम पे दुर्गा पूजा में, तो ये पैसा यार कहीं ना कहीं यूटिलाइज होता है ये फेस्टिवल में ठीक। पास पीटीओ स्टार्टिंग के दौरान आपको एक पास मिलेगा। पास पीटीओ सिंपल सा एक रूल है कि 5 साल तक आपको एक पास मिलेगा, 4 पीटीओ का ठीक है। एंड पीटीओ में क्या होता है कि आपका 1/3 किराया लगता है ठीक है, जो भी टैक्स वैक्स हटा के जितना भी रेट है टिकट का फेयर का, तो वो आपको 4 मिलेंगे साल में एंड 1/3 किराया लगेगा उनका। पास में आना जाना फ्री है, एक पास मिलेगा ठीक। 5 साल बाद आपके जो पास है वो 3 हो जाएंगे एंड पीटीओ 4 रहेंगे, ऐसा है 5 साल बाद ठीक है। अब एक पास पे आपका बच्चा भी ट्रैवल कर सकता है, बीवी ट्रैवल कर सकती है, मम्मी पापा हैं वो इंडिपेंडेंट यानी कि डिपेंडेंट में नहीं आते हैं, मम्मी पापा अगर दोनों हैं तो वो पास वाला जो रूल है वो उनके ऊपर नहीं है, ना मेडिकल वाला है ना पास वाला है, कुछ भी नहीं है ठीक। अगर पापा नहीं है तो मम्मी अपने पे डिपेंड है, तो फिर यानी कि ये सारी चीज़ें मेडिकल फैसिलिटीज पास पीटीओ ये सब हैं ठीक है। तो ये सारे रूल्स हैं जो मेरी नॉलेज में थे, वो मैंने आपको बता दिए हैं ठीक है। तो दोस्तों जैसे मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ यार, आप भी इन सभी की प्लीज़ जो पेट्स होते हैं या फिर सिंपली जो मोहल्ले में जो रहते हैं हमारे जो डॉग्स होते हैं कैट होते हैं, इन सभी की हेल्प करें, पशु पक्षियों के लिए पानी रखें एंड गाय माता जी को ज़रूर खाना वाने कि मेरे हिसाब से खिलाना चाहिए सबको है ना अच्छे से। एंड ये सारी चीज़ें यार हमने आज डिस्कस करी हैं एंड अच्छे से मैंने हर एक चीज़ को समझाया आपको कैसे कैलकुलेट करते हैं ठीक है। तो बेसिक पे हमारा हो गया एंड हाउस रेंट का क्या हिसाब किताब है एंड डीए का क्या हिसाब किताब है, ड्रेस अलाउंस का सारा जो मैंने बिल्कुल एकदम डेप्थ से आपको बताया, मुझे नहीं लगता कि ओटी का यानी इतना किसने आपको अच्छे से बताया होगा एंड डीए का इतना अच्छे से एक्सप्लेन किया होगा कि भैया कैसे क्या मिलता है क्या क्या है वो सारी चीज़ें। बाकी इससे रिलेटिंग अगर आपको कुछ भी और भी कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें ठीक है। तो उसको डिस्कस कर लेंगे, तो कमेंट में डिस्कस करेंगे या नेक्स्ट वीडियो के अंदर अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना होगी। देखो अलाउंस तो और भी रहते हैं, जैसे मेडिकल फैसिलिटीज़ हो गई, वो मैंने फैसिलिटीज़ डिस्कस नहीं की हैं, जैसे पास पीटीओ एक फैसिलिटीज़ के अंदर आता है ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने इसमें डिस्कस कर लिया। बाकी और भी मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं एंड बच्चा बड़ा हो जाता है तो फिर उसके लिए यानी हॉस्टल के अंदर जो अमाउंट है वो कितना मिलेगा, हॉस्टल के भी पैसे मिलते हैं, तो बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं यार। बाकी सभी फैसिलिटीज़ को एक वीडियो के अंदर डिस्कस करना थोड़ा मुश्किल है ना, तो ख़त्म ही नहीं होगी, फिर वो 1-1.5 घंटे तक चलती रहेगी अगर मैं सारी फैसिलिटीज़ आपको बताने लग जाऊँगा तो ठीक। तो सिंपली आप बोलेंगे तो इसके ऊपर भी एक वीडियो बना लेंगे कि कौन कौन सी और फैसिलिटीज़ मिलती हैं, ये उसके अंदर ऐड कर लेंगे। ये मैंने सारा जो डाटा है वो बिल्कुल सैलरी से रिलेटेड यानी आपको बताया कि सैलरी में क्या क्या ऐड होगा, तो बेसिक जो हर बार आपकी मंथली सैलरी आएगी इसके अंदर ये होगा, अपना ये होगा, डीए होगा, ड्रेस अलाउंस तो खैर साल में एक बार है, ट्रैवलिंग अलाउंस जो जाएंगे बाहर उनको ही मिलेगा, ट्रांसपोर्ट अलाउंस फिक्स है, नाइट ड्यूटी फिक्स है, ओटी जो एक्स्ट्रा करेगा खाली उसको ही मिलेगा, एनएच अगर कुछ आया तो मिलेगा, दिवाली बोनस साल में एक बार, तो ये सारी चीज़ें अपनी फिक्स थी ठीक है। तो ऑन एवरेज यानी अगर मैं बात करूँ यानी एक कमेंट तो यानी हर कोई पूछेंगे यार सर ऑन एवरेज कितनी बन जाएगी अगर स्टार्टिंग में लग जाएंगे ठीक है, तो 50+ तो यार मान के चलो क्योंकि एनपीएस भी कट जाता है ठीक है। एंड अब डीए भी काफ़ी इंक्रीज हो गया तो 50+ तो मान के चलो 50 से 60 के रेंज के अंदर। एंड अगर आपका ओटी अच्छा बन रहा है उस डिवीजन के अंदर, क्या नाम है, स्टाफ कम है लेकिन आप नए नए जाओगे ना तो स्टाफ तो इतना बढ़ ही जाता है, काफ़ी स्टेशन मास्टर ज्वाइन करते हैं तो और काफ़ी रिलीव भी हो जाते हैं, तो स्टार्टिंग के अंदर तो ओटी बनना थोड़ा मुश्किल ही रहता है, लेकिन फिर भी काफ़ी बंदे छुट्टी पे चले गए, कोई डिवीजन के अंदर इतना रोक टोक नहीं है, तो वहाँ आपके यानी 80-90 हज़ार तक भी सैलरी पहुँच सकती है ठीक है। एंड इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कुछ स्टेशन मास्टर पक्का कमेंट के अंदर बोलेंगे अरे सर इतनी सैलरी नहीं बनती होती, तो मैं उनको पहले बोल रहा हूँ भाई वो ओटी की वजह से बन रही है, ओटी वो बंदा बाहर भी जाता है ड्यूटी करने, बाहर तो जा ही रहा है और वहाँ जाके एक्स्ट्रा ड्यूटी भी कर रहा है, फिर तो उसको बनना ही है ना, 90-90 हज़ार से क्या उसको 1 लाख रुपये तक भी पहुँच सकते हैं ठीक है, वो डिपेंड करता है कि ओटी कितना बन रहा है।
ठीक है दोस्तों, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल स्टडी गिडा, एंड बेल आइकन दबाना ना भूले, क्योंकि और भी अपडेटेड वीडियो एक स्टेशन मास्टर के इंटरव्यू जल्द से आएगा, एंड लोको पायलट का गार्ड का भी इंटरव्यू हम रिकॉर्डिंग करने का देख रहे हैं, एंड जल्द ही मेडिकल से रिलेटेड क्या क्या टेस्ट होंगे, एक एक टेस्ट को मैं अच्छे से बताऊंगा कि कौन सा टेस्ट होगा एंड कैसे जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस कर लेंगे। और भी कुछ होगा तो मैं आपको ज़रूर बताता हूँ, एंड वीडियो भी ज़्यादा शेयर करें यार, मेहनत बहुत लगती है एक एक चीज़ करने के अंदर। पहले हमने स्टडी क्रीड़ा को अच्छे से चलाया है, लेकिन अब तो खैर बिल्कुल ही, यानी कि एग्ज़ाम होने के बाद तो व्यूअर्स बिल्कुल ही ख़त्म हो गए, तो ये वाली वीडियो हम ला रहे हैं ताकि अपने व्यूअर्स बने रहें, स्टडी क्रीड़ा पे जो विश्वास उनका बना हुआ है वो चलता रहे। बाकी रेलवे से रिलेटेड और भी इन्फॉर्मेशन, कौन सी नई नई ट्रेनें चल रही हैं, क्या उनके अंदर फैसिलिटीज़ हैं, ये मैं लाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, बाय बाय, ख्याल रखें अपना, अपने मम्मी पापा का, आसपास के दोस्तों का, सबका यार ख्याल रखें आप। ओके, बाय बाय।